Assalamu alaikum and welcome to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution which will be televised. We don't know for how long, but right now it's doing its job. और इंशाल्लाह अगर इस चैनल ने बंद कर दिया तो हम गालिबन किसी और मीडियम पे शो को लेके जाएंगे. बट दिस रेवोल्यूशन इज नॉट गोना स्टॉप. ऑब्वियसली एज यू कैन टेल, दिस रेवोल्यूशन इज नॉट अबाउट मनी और फेम और यू नो ट्राइंग टू बिकम लीडर्स ऑफ फ्री वर्ल्ड और वट एवर. बट दिस शो इज अबाउट मच डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड, और इफ वी अंडरस्टैंड देम वी इग्नोर देम. बट अब टाइम ऐसा आ गया कि ये एलिमेंट्स, ये स्पिरिचुअल डायमेंशंस जो हैं वो इग्नोर नहीं की जा सकती. अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपने आप को सदियों की गुलामी के नीचे दफन कर लेंगे, और इसी गुलामी के खिलाफ ये आवाज जो हम लोग उठा रहे हैं. और इंशाल्लाह ये रेवोल्यूशन, बार बार जो हम कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन है, और जो लोग इस शो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि ये एक रेवोल्यूशन की कैफियत अख्तियार कर चुका है. और इंशाल्लाह जितने ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल होंगे उतना ज्यादा पावरफुल ये रेवोल्यूशन बनेगा. कैसे हैं सर आप? हकीम साहब आज करिए. लास्ट शो पे हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस कर रहे थे, नेगेटिव स्पिरिचुअलिज्म और जो उसके डायमेंशंस थे. मेरा एक शो हम ऑब्वियसली रमूज बेखुदी के ऊपर तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं चाहता हूं आपसे करना कि जो ये जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, स्पिरिचुअल फोर्सेज, they've always been around according to you know Quran mein bhi hai zikr, aur ye sari hamare history mein yaad, lekin ye apne aap ko bade acche tarike se chhupate hain. In negative spiritual forces ko bahut sare naam diye gaye, kuch jinnat bhi kehte hain, koi usko kuch naam dete hain, koi kehte hain ji aliens hain ya ye extraterrestrial bodies hain, blah blah blah, aur uske bare mein bahut sari confusions hain. Lekin ye jo television aur electronic ek medium hai jiske through hame एक नेगेटिव जिंदगी की रवश मिलती है, जिसमें हम चल पड़े हुए सारे कि ये दिस इज कूल, दैट्स नॉट कूल, हे मैन वेयर इज द बियर, और यू नो लेट्स गो, शी इज माय गर्लफ्रेंड, और जंप ऑफ द प्लेन, और ये सब चीजें उनकी बनाई. तो कहने में आया कि ये जो स्पिरिचुअल नेगेटिव स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं, ये दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और व्हाटएवर एंड गो थ्रू आर यू नो केबल्स और टेलीफोन लाइन्स, एंड ये एक चीज डिस्कवर की गई है कुछ साइंटिस्ट के थ्रू. मैं कुछ इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या ये चीजें वाकई इस फॉर्म में, नई मॉडर्न फॉर्म में, और जिसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि दीज आर इवल स्पिरिचुअल फोर्सेज? देखिए अली, अभी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, जो इंसान की जहनी इर्तका है, अभी तो वो उसके करीब भी नहीं पहुंची है कि स्पिरिचुअलिटी को क्वांटिफाई कर सके. ठीक, यानी आप मुझे बताइए, कुरान में जो वाकयात लिखे हुए हैं स्पिरिचुअल डायमेंशंस के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जात मौजूद थी, एक साहब मौजूद थे, उनके वजीर, कि जब उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मलका का तख्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने में वो तख्त मैं लाकर आपके पास पहुंचा दूंगा. और वो मलका का तख्त यमन से ट्रांसलोकेट किया जाता है, यानी वो फिजिकल तख्त एक कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में या लाइट फील्ड में, कन्वर्ट करके वापस इनके पास आता है, दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर फिजिकल ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर की कोई ट्रांसफॉर्मेशन थी जो टेलीपोर्टेशन होती है वहां पे. तो आज की दुनिया तो इसको नहीं अचीव कर सकती अभी तक. अभी तक ह्यूमंस आर स्टिल नॉट केपेबल के इंटेलेक्चुअली किसी चीज को कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में टेलीपोर्ट कर सकें. बेसिकली देयर इज सम रिसर्च व्हिच सेज दैट दे हैव टेलीपोर्टेड सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नॉट अ फुल ऑब्जेक्ट बट कुछ एलिमेंट्स को. दूसरी तरफ फिरौन के पास जो नेगेटिव स्पिरिचुअल फोर्सेस थी कि जो उसके जादूगर किस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे थे, आज तो इंसान जाहरी तौर पे मॉडर्न इंटेलेक्चुअल इंसान तो उससे करीब भी नहीं पहुंच पाता. सही कह रहे. सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की आवाजें सुनते थे, हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नात उनकी खिदमत किया करते थे, उनके मुलाजिम थे. कुरान पाक इन सारी बातों की गवाही देता है ना. हुजूर के पास जिन्नात आते हैं, हुजूर से कुरान सीख के जाते हैं, सूरह जिन पूरी इस हवाले से कुरान में मौजूद है. फिर वो अबाबिलों वाला वाकया कि किस तरह वो चिड़ियां आती हैं अलम तरह कैफा में. तो इंसान उन स्पिरिचुअल फोर्सेस को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डोमेन से नहीं समझ सकता. उसके लिए इंसान को अपने वजूद में मौजूद स्पिरिचुअल फोर्सेस को डेवलप करना पड़ता है. इंसान एक बहुत बड़ा आलमे कबीर है, इंसान ये छोटा नहीं है. इकबाल का ये शेर जो है ना कि काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान गुम उसमें है आफाक. आफाक कहते हैं पूरी कायनात, कॉस्मोस, द इंटायर कॉस्मोस इज एक्चुअली विद इन द सोल ऑफ अ बिलीवर ऑफ अ मोमिन. एक इंसान के वजूद में, आपके वजूद में फिजिक्स भी है, मेटाफिजिक्स भी है, आपके वजूद में स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, फिजिकल डायमेंशन भी है. और यही वो फोर्सेज हैं कि जो इकबाल जिनको रिवाइव करने की बात जब करते हैं, जब बंदे मोमिन के एट्रीब्यूट की बात करते हैं,
एक इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी। जब एक इंसान अपने वजूद में उस शरीयत पे चलता है, उस गैरत और इज्जत के प्रोसेस पे चलता है, जब एक इंसान खुददार होता है, भीख नहीं मांगता, सदकात और खैरात करता है, दलेर होता है, जरूरतमंद होता है, लोगों की सच के लिए स्टैंड लेता है, तो खुद ब खुद उसके वजूद में एक जलाल पैदा होने लगता है। खुद ब खुद उसके वजूद में पॉजिटिव फोर्सेज ऐसे पैदा होते हैं कि जो उसको देखता है वो एक लम्हे के लिए कांप जाता है कि यार ये मर्द मोमिन, ये शख्स, इसके वजूद में एक कैरेक्टर है। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत इस शेर को कहा है कि एक बंदे मोमिन को, आजकल के नौजवान बच्चों को मुखातिब करके, नौजवान नस्ल को, कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। एक कलंदर का जो जज्बा होता है, जब वो जलाल के साथ किसी को देखे तो अगले की जरूरत नहीं होती थी, वो इतना सीरियस। अगर आप इस चीज को कायनात में देखना चाहते हैं ना, तो एक चिड़िया की आंखें देखें, कबूतर की आंखें देखें, आपको लगेगा मासूम, प्रैक्टिकली यू फॉल इन लव विद दोस्ट, कितनी मासूम चिड़िया, मासूम जानवर हैं ये। लेकिन अगर आप उसके बाद गोल्डन ईगल की आंखें देखें, सी द क्लोजअप पिक्चर ऑफ अ गोल्डन ईगल, सिर्फ उस परिंदे की, दैट्स अ बर्ड, लेकिन उसकी आंखें देखेंगे तो उसमें जलाल होता है, उसमें एक ऑनर होता है, एक डिग्निटी होती है। प्रैक्टिकली एक इंसान सिर्फ अगर एक गोल्डन ईगल की आंखों को देखता रहे ना, तो यू रियलाइज माई गुडनेस वॉट ऑनर एंड कैरेक्टर दैट बर्ड हैज। और इसीलिए इकबाल हमेशा जो मोमिन को एट्रीब्यूट करते हैं शाहीन से, शाहीन से बार बार शाहीन इज गोल्डन ईगल, कि एक बाज, एक उकाब, एक शाहीन, कि जो उस परिंदे में भी इतना जलाल होता है कि वो अकेला प्रवास करता है, अकेला रहता है, बुलंदी पर रहता है, मुर्दार नहीं खाता, हराम नहीं खाता, खुद शिकार करता है, चोरी नहीं करता किसी और का, इट्स नॉट अ स्कैवेंजर। जो एक शाहीन में और एक गिद्ध में फर्क है, जो एक शाहीन में और एक उसमें हाइना में फर्क है, वो यही क्या, वो स्कैवेंजर है, गिदर स्कैवेंजर है, छुप छुप के दूसरों का खाता है, ये अपना शिकार करता है, ये इसका जलाल इसकी तबीयत में नजर आता है। तो यही एट्रीब्यूट कि जब एक बंदा है मोमिन अपनी जात में, जो असरार खुदूम में हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया जी, जिसमें इकबाल कहते हैं उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, जब वो बात करते हैं कि तुम्हारे खुदी का सिर रहने, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारी सीक्रेट जो है तुम्हारी रियलिटी का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है, जब उन डायमेंशन की बात करते हैं, तो उसका मकसद आपकी फिजिकल बॉडी को ठीक करना नहीं है, उसका मकसद है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो स्पिरिचुअल डायमेंशन रिवाइव हो कि जो आपके करीब से गुजर जाए, एनर्जाइज हो जाए। ये इंसान के वजूद से जितनी पावरफुल फोर्सेज निकलती हैं, वो उन फोर्सेज से बहुत ज्यादा हैं जो इंसान अपने फिजिकल बॉडी से जनरेट कर सकता है। जाहिर है जब इंसान अपनी दुआ से कायनात तब्दील करवा सकता है, अपनी दुआ से किस्मत तब्दील करवा सकता है, और सिर्फ अपनी निगाहों से किसी के दिल में दिल कांप सकते हैं किसी के, जब जज्बे कलंदराना होता है, तो ये एट्रीब्यूट्स इकबाल के जो इकबाल का पाकिस्तानी वो बनाना चाहते हैं, जिसकी बाद इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। आज हम रमूज बेखुदी, जो इकबाल की दूसरी मसनवी है, उसके उन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जिसमें इकबाल अपने उस ट्रेनिंग प्रोसेस का जिक्र करते हैं कि मुझे ये सारे राज किस तरह मालूम हुए। जब भी कोई बड़ा शख्स कायनात के राज जानने की कोशिश करता है या उसको मिलते हैं, तो एक खास किस्म के ट्रेनिंग प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। हमारे नौजवान जब इस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे तो इकबाल के राजों को पाएंगे, इसको हम आगे बात करेंगे। वेरी वेल जी, वी आर गोना टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर वी कम बैक वी आर गोना गो ऑन टू रमूज बेखुदी। वेलकम बैक जी, आज हम दोबारा से रमूज बेखुदी की तरफ जा रहे थे, और आज हम क्या जो बात अली हम कर रहे थे ना, ये कि देखिए अल्लामा इकबाल ने ये सारी बातें जो उनको अल्लाह ताला ने बताई हुई, इतनी गैर मामूली हैरत अंगेज हिकमत, ये इनको कैसे पहुंची, कैसे मिली? ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला जिसको शरह सदर अता करे, यानी कुरान का बहुत बड़ा तोहफा जो बंदे मोमिन के लिए है, जो कुरान एक्सप्लेन करता है, जो अलम नशरह लक सदरक की सूरत में भी हमको मिलता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने ये हमें बताया कि अल्लाह ने हजूर को शरह सदर का तोहफा अता फरमाया, हजारों करोड़ों अरबों तोहफे जो अल्लाह ने दिए उसमें से एक ये। शरह सदर का मतलब है कि इंसान का सीना खोल जाता है टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ। एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकतल अशिया कमा हिया, इट्स अ वंडरफुल दुआ। या अल्लाह मुझे चीजों की रियलिटी इस तरह दिखाएं जैसी कि वो हैं, शो मी द रियलिटी ऑफ थिंग्स एज दे आर, नॉट एज व्हाट द वर्ल्ड परसीव देम टू बी। इट्स एन अमेजिंग दुआ, बिकॉज हकीकत देखना चीजों की रियलिटी को जानना, टू कट अक्रॉस द फॉग, टू कट अक्रॉस द डिल्यूजन, टू कट अक्रॉस द कंफ्यूजन दैट इज बीइंग क्रिएटेड, की बात हमने आपसे कही थी कि आज के दौर की सबसे ताकतवर कैपेबिलिटी इस कुफर के निजाम की ये नहीं है कि ये बीमारियां फैला के लोगों को मार सकते हैं या फूड कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनके पास है, इनकेपेबिलिटी, झूठ फैलाने की सलाहियत,
किस तरह ये दुनिया को झूठ फैलाते हैं, किस तरह 200 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने सूद और रिबा पे और पेपर करेंसी पे बेस करके फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड का बना के दिया है तुमको, यही तुम्हारी आखिरत और दुनिया की फलाह के लिए यही बेहतर है, और अब हम ग्लोबल करेंसी बनाने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हम वन गवर्नमेंट बनाएंगे, सुपर गवर्नमेंट बनेगी। ये दुनिया को किस तरह बेवकूफ बना के लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी बेहतरी के लिए है कि तुम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो और तुम्हारे जिस्म में आरएफआईडी चिप्स डाल देते हैं ताकि दुनिया में तुम कहीं भी हो हम तुमको सैटेलाइट से ट्रैक कर ले, तुम्हारी बेहतरी के लिए कि तुम हमारे गुलाम बन जाओ। यू वॉक आउट ऑफ द लाइन, आई वुड शट ऑफ द चिप, तो अब यू आर आउट ऑफ हर एस्पेक्ट दुनिया। दिस कैपेबिलिटी ऑफ द कुफर सिस्टम टू क्रिएट अ फॉग एंड डिल्यूजन, लोग ये समझने लगते हैं कि हमारी बका इस निजाम के साथ है, तो कौन सा इंसान हो सकता है जो इस फारी अंधेरे को, इस धुन को, इस फॉग को, इस डार्कनेस में से निकलकर रोशनी तलाश कर सके? उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। और जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को देखते हैं तो उस कुफर के निजाम में भी जहां पे हर तरफ कुफर ऐसा था कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, तो हुजूर के नबूवत से पहले के ट्रेनिंग प्रोसेस को देखिए जरा क्या। आप गारे हिरा पे तशरीफ लेके जाते हैं, गारे हिरा पे आज आप जाइए, मक्का के पास ये पहाड़ है, करीबन 1.5-2 घंटे की क्लाइंब लगती है, 1.5-2 घंटे लगते हैं आपको उसको क्लाइंब करने में, बड़ी मुश्किल से आप टॉप तक पहुंचते हैं, छोटा सा केव है, और उस गार में हुजूर तवील अरसा गुजारते हैं मेडिटेशन करते हुए, तन्हाई गुजारते हुए, और उस मेडिटेशन के बाद वो वजूद मुबारक तैयार होते हैं कि जिन पे जिब्रील की पहली वही आती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी दूसरे लफ्जों में डिवाइन इंस्पिरेशन आना शुरू हो जाती है आफ्टर अ रफ ट्रेनिंग पीरियड प्रोसेस। हर इंसान जिसको अल्लाह ने हिकमत दी है, विजडम दी है, वो इस प्रोसेस से गुजरा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है, जिसमें आपने फरमाया कि जो शख्स को तुम देखो कि दुनिया से अलग थलग रहता है, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और लोगों से अलग रहता है, तन्हाई में जिंदगी गुजारता है, तो उसके पास जाकर बैठो कि अल्लाह ने उसको हिकमत अता की होगी, द विजडम विल कम फ्रॉम हिम। जो दुनिया में घुस चुका होता है, दुनिया में डूब चुका होता है, क्योंकि दुनिया का हिस्सा बन चुका होता है वो, फिर उसको विजडम नहीं आती है, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, ही कैन नॉट सी थ्रू इट। इस सिस्टम में रहते हुए भी अपने आप को अलग करना गारे हिरा की सुन्नत पे, ये एक प्रोसेस है कि जिसके बाद इंसान की आंखें, दिल की आंख खुलना शुरू हो जाती है। तो इकबाल ने रमूज बेखुदी से पहले जो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस बताया है अपना, कि जिसको आप थोड़ा सा आपको सुनाते हैं कि उन्होंने खुद अपनी कैफियत बताई है कि मैं किस तरह इन राजों को हासिल करने में कामयाब हुआ। और आज के दौर में भी कोई अगर यह चाहता है कि उसका दिल रोशन हो, दिल जिंदा हो, उसकी आंखों के आगे से धुंध खत्म हो जाए, वो इस कुफर की पूरी डिसेप्शन और धोखे में से सच्चाई और हक को देख सके, उस दुआ के मुताबिक अल्लाहुम अरिनल हकीकत अलशिया कमा है, चीजों की रियलिटी अल्लाह हमको ऐसे दिखाओ जैसी वो हैं, ऐसी नहीं जैसे ये हमें परसीव करा रहे हैं, जैसे हमें दिखाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर उर्दू में कहा था कि चाहे वो रूमी हो, अत्तार हो, राजी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े बुजुर्ग हो, कुछ कार नहीं बनता बे आह सहरगाही, जब तक रात के अंधेरे में खड़े होकर तहज्जुद के वक्त रोए नहीं अल्लाह के आगे, उस वक्त तक काम नहीं बनता। फॉर अ पीरियड ऑफ इवन फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड फ्यू मिनट्स मेडिटेशन, थॉट प्रोसेस, सोचने का वक्त, तन्हाई में जब इंसान यह सोचता है कि मैं जिंदगी किस लिए गुजार रहा हूं, फिर उसको रियलिटी मिलना शुरू होती है। लोग पूछते हैं हमसे, आपसे भी सवाल ये किए जाते हैं कि हम किस तरह अपने अंदर तब्दीली लाएं, उसका आगाज यही है कि अपने इस बिजी स्केड्यूल में से, यानी जिंदगी को उन्होंने इस तरह सेकेंडों के हिसाब से बांध दिया है कि हर कोई बिजी है, एवरीवन इज इन अ हरी टू गो नोवेयर, हालत यह है कि प्रैक्टिकली सर्कल में प्रेजेंट बाय द टाइम इट्स क्लॉक। इंसान को अपने आप को इससे डिसंगेज करना है थोड़ी देर की, चाहे वो रात की तारीकी में करे, जिस तरह लोग इस सिस्टम में भी अनवाइंड करने के लिए कोई पिकनिक पे चला जाता है, कोई पहाड़ पे चला जाता है, कोई समुद्र पे चला जाता है, कोई वेकेशन पे चला जाता है, लेकिन दे कम बैक राइट बैक इनटू इट। वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वंस वी कम बैक वी गोना कंटिन्यू। वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस, यू सी। तो आइए अब थोड़ा सा, चूंकि रमूज बेखुदी के शुरू में इकबाल ने खुद अपना ट्रेनिंग प्रोसेस बताया है, ठीक, जो अपने क्रेडेंशियल स्टैब्लिश किए हैं जिसे हम कहेंगे, जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपको आपके क्या क्रेडेंशियल है, आपको ये सारी बातें मालूम हो, तो उन्होंने खुद जवाब दिया इस बात का कि देखो मैंने ये बातें आसानी से नहीं हासिल की, मुझे अपने दिन रात अपने आप को जला के राख करना पड़ा है, रातों को मैं जागा हूं, रातों को मैं रोया हूं, मैंने हत्ता के मेरे खून जिगर, मेरे दिल का खून आंखों से बहने लगा, तब जाके अल्लाह ने मुझे ये रियलिटी दिखाई है। बड़े फैसिनेटिंग शेयर है, हम थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया देते हैं कि इकबाल ने इसलिए ये बात कहते हैं कि आज कंपेयर कर लीजिए कि आज के वो लीडर्स हमारे, आजकल हमारे सियासतदान, आज के हमारे दानिश्वर या उलमा जो ये दावे करते हैं कि वो कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या कौम के लिए हिदायत लेकर आए हैं, क्या उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा है अपने आप को?
क्या रातों को उठ उठ के रोते हैं वो अपनी इस कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए, क्या खूने जिगर करते हैं अपने आप को पिघला के क्षमा की तरह खत्म कर देते हैं अपनी कौम की मोहब्बत में, क्या वो इतने सिंसेर हैं कि अपना दिन का आराम और रात की नींदें हराम कर देते हैं इस कौम की मोहब्बत में रोते हुए। जब तक के कोई शख्स ये ना करे, उसको हक नहीं है किसी कौम की क्यादत करने का। जब तक के कोई शख्स अपने आप को जला के ना राख कर दे अपनी कौम की मोहब्बत में, अपने दीन की मोहब्बत में, उसको हक नहीं है हुक्मरानी का। यहाँ पे तो मरूसी हक लेके बैठे, यहाँ मरूसी हक है कि खानदानी चले आ रहे हैं, जमातें चली आ रही है, सियासी जमातें चली आ रही हैं, वो जो अपने बाप का हक समझती हैं इस बात को कि मुसलमान कौम पर हुकूमत करें, सारी जिंदगी बुराई में, बदकारी में, गैर मुल्क में गुजारते हैं, हराम में गुजारते हैं, वजूद का एक एक कतरा हराम से पला हुआ होता है, उसके बाद बाहर बैठ के नारे लगाते हैं कि हम मुल्क में हुकूमत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, समझते हैं जैसे कि इनके बाप का हक है कि 40-50 लाख मुसलमान शोदा, जो करोड़ों मुसलमानों ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचा के और इतनी लाखों माओ बहनों की दुआओं से जो मुल्क बना है, वो इन बदबख्तों के लिए कि जो हराम में पले हुए हैं और इस मुल्क पर खयानत करके कुफार का निजाम नाफिज करना चाहते हैं। देखिए, अब हम आपको इकबाल की तरफ लाते हैं कि असल लीडर बनता कैसे है। जब इंसान का वजूद पिघलता है, फिर उसको अल्लाह की तरफ से डिवाइन इंस्पिरेशंस भी आती हैं, आंखों में वो नूर भी आता है। वो जो हदीस शरीफ है हुजूर की, जिसका मफहूम है कि इत्तको बिफिरासत मोमिन युन्ज़र बिनूर अल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की विजडम से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। तो ये अल्लाह का नूर उसके वजूद में आए कि वो रियलिटी देखना शुरू करे कैसे होता है। आए इकबाल से खुद पूछते हैं कि इकबाल ने ये कैसे किया था। आज भी कोई शख्स अगर अपने वजूद को नर्म करना चाहता है, वो रूहानियत लाना चाहता है, तो इस प्रोसेस से, गारे हिरा की सुन्नत से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं, मेरी जान सब्र और सुकून से महरूम थी, मेरी जान सब्र और सुकून से, जानम अ सब्र और सुकून महरूम बूद, विर्द मन या हयो या कयूम बूद, मैं सारा वक्त ये जिक्र करता था अल्लाह का, या हयो या कयूम, या हयो या कयूम, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। मेरी जान बेचैन थी, तूफान मचा हुआ था मेरी जान में, मेरे वजूद में। मैं आरजू रखता था कि जिसने मेरा खून कर दिया, मैं ऐसी ख्वाहिशें रखता था कि इन ख्वाहिशों से मेरा खून हो गया, हत्ता कि वो खून मेरी आंखों से बह के निकलने लगा। यानी इस हद तक इंसान अपने आप को जला दे कि जिगर का खून, दिल का खून उसकी आंखों से बाहर आ जाए। फिर कहते हैं कि मैं शमा की मानंद, एक चिराग, एक मोमबत्ती की मानंद, मैं जल रहा था और खुद अपने ऊपर जलकर अपने आप को पिघला रहा था। मोमबत्ती यही करती है ना, उसको जलाए तो जलाती और अपने आप को पिघलती पिघलती खत्म कर देती है। कहने की मैं शमा की मानंद जल रहा था और एक तारीख रात में शमा की मानंद में चमक रहा था, लटक रहा था, अपने आप को ही जला रहा था। आई वॉज बर्निंग माई सेल्फ फॉर द सेक ऑफ दिस उम्मत, फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन, सारी सारी रात रोता था मैं। कहते हैं कि मैंने रोशनी में इजाफा किया और मैं खुद घटता चला गया। मैंने, मेरी वजह से रोशनी फैली लेकिन मैं खत्म होता चला गया। मैंने जो महफिल आरास्ता की वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए। यानी कितनी खूबसूरत बात इकबाल करते हैं कि जो महफिल सजाई मैंने, जो विजन दिया, जो सोच दी, मुझे तो, दी, क्योंकि इकबाल तो पाकिस्तान बनने से पहले ही इंतकाल कर गए। उनको मालूम थी ये बात कि मैं पाकिस्तान का बनना नहीं देख सकूंगा। उनको मालूम थी बात कि मेरी सेहत खत्म होती चली जा रही है और मैं अब, मेरे जाने का वक्त आ गया। वो बेचैन थे इस बात में, लेकिन उनको जल्दी मची हुई थी इस बात की कि या अल्लाह इस कौम को कोई लीडर मिल जाए, कोई विजन मिल जाए, कोई आइडियोलॉजी मिल जाए, इस कौम को मैं बेदार कर दूं जाने से पहले। इनको आखिर में तसल्ली हो गई थी जब वो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम बना चुके थे, जब उन्होंने कायद आजम तैयार किया और मुसलमान दुनिया से कहा कि अब कायद आजम की जिंदगी के लिए दुआ करो कि मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, अब मुसलमानों के लीडर वो होंगे। और फिर लोगों ने उन पर एतराज किया कि आपने तो तब्दीली भी नहीं लाई, जो बातें आप करते थे कहां हुई। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि इश्क को फरियाद वाजिब थी सो वो हो चुकी, इश्क को फरियाद वाजिब थी सो वो हो चुकी, अब दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। यानी अब देखना तो सही आगे होता क्या है, क्योंकि जो प्रोसेस से वो गुजरे, इस रमूज़े बेखुदी में वो अपने प्रोसेस को बयान करते हैं। आसान नहीं था इकबाल बनना, आसान नहीं होता इकबाल बनना। आज भी कोई शख्स अगर वो विजन और विजडम चाहता है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं, सीने की तपिश से एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं, सीने की तपिश से एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं, मेरे लिए हफ्ते में कोई दिन छुट्टी का नहीं। यानी जुम्मा नहीं है मेरी, कोई फ्राइडे वेकेशन नहीं है, 24/7 में जलता हूं। अल्लाह के बंदे जो आशिक होते हैं, जुनूनी होते हैं, वो छुट्टी नहीं करते। वो 20 उनके लिए कोई ये नहीं होता कि मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, 6 दिन 7वां दिन मेरा। उनकी जिंदगी का उठना बैठना, चलना फिरना, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जब जिंदगी का मकसद उनका ये, बाल माशाल्लाह जिस फैसिनेटिंग डायमेंशन में बताते हैं। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुलीक फरमाया
جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا میں اس وقت سے لکڑی کی طرح جل رہا ہوں، یعنی جب میری وجود میں، میری مٹی میں اللہ نے جلنا رکھا تھا، کہ میں اس وقت بھی جل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا، میری روح اتنی بے چین تھی. اور یہ بڑے خوبصورت، دیکھیے کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ نالہ افشاگر اسرار عشق، خون بہائے حسرت گفتار عشق، کہتے ہیں کہ میں اس طرح رویا اللہ کے آگے، میں نے اس طرح فریادیں کی اللہ کے آگے، میں ایسے چیخا چلایا کہ میں نے عشق کے راز کھول دیے، میں نے سیکرٹس آؤٹ کر دیے اللہ تعالیٰ کے، میں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، خودی کی حقیقت کیا ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، خودی کی حقیقت کیا ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی، میں نے الٹیمیٹ ریالٹیز انسان کی کھول دی، میں نے یہ راز کھول دیے کہ انسان بندہ مولا صفات اس دنیا میں جب اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے تو اللہ کا اختیار اور طاقت اور قدرت اللہ اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے دنیا میں کرتا پھرتا ہے، اس کی ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ راز میں نے کھول دیے، میں نے یہ راز کھول دیے کہ ایک مرد حق کیا ہوتا ہے، مرد مومن کیا ہوتا ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، کمال ہے. یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم نے اس دنیا میں جان دینی ہے، اس مرنے کے بعد تم اپنے محبوب، اپنے دوست، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچو گے، تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا مصیبت ہو جائے اور تم اس کو ایک ڈیوٹی کے طور پہ گزار. ایک کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون سا بات کریں؟ حماد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اپنا ٹی وی اگر آپ بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی مجھے خالی یہ، فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو تھینک یو علی اینڈ فار ریوائونگ دا نیشنل ٹریجر آف پاکستان. دس ول پلے ا پائیوٹل رول ان ریئلائزنگ دا پاکستانی ڈریم انشاءاللہ. مجھے صرف اتنا سا پوچھنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایتھنک ڈفرینسز کو، لسانی اختلافات کو بہت زیادہ پروموشن دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے حوالے سے اقبال نے کیا اپنا وہ تاثرات پیش کیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لسانیت اور فرقہ واریت، ہم اس پہ آ رہے ہیں کیونکہ رموز بے خودی ڈسکس کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ رموز بے خودی شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ جب علامہ اقبال فرد اور ملت کے آپس کے تعلقات کو ایکسپلین کرتے ہیں، جب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جب فرد اپنے آپ کو لسانی عصبیت میں، نیشنلزم میں، قومیت میں، زبان میں، ان میں تقسیم کرتا ہے تو ملت سے الگ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد تباہ کس طرح ہو جاتا ہے وہ. اور اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی اور مذہبی اور قومی فرقوں میں توڑنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک ملت، اپنے دین کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ جوڑے، اپنی یونٹی کو بڑا کرے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے. جو کفر کے نظام کا ان کی اسٹریٹجی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو نیشنلزم میں توڑا جائے، چھوٹا کیا جائے، گروہوں میں تقسیم کیا جائے. اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ایک بڑی جماعت میں جمع کیا جائے. اقبال کا ایک بڑا حیرت انگیز شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، یعنی مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، جمعیت اقوام یا جمعیت انسان، یا وحدت انسان. یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ مکہ کا میسج ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے کہ تم انسانوں کو قوموں میں توڑتے ہو اور اللہ انسانوں کو ایک بڑی یونٹی میں، ایک جمعیت میں، انسانیت میں، ہیومینٹی میں جمع کرتا ہے. تو رموز بے خودی جب ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. پاکستان کے آج کے حالات سے جتنی ریلیونٹ یہ رموز بے خودی ہے کوئی اور ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں آج جو کبھی سرائیکی صوبہ بناؤ، کوئی بلوچستان کو توڑ دو، پاکستان کے چھوٹے بکھرے کر دو، قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کرو، کوئی سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، کشمیری کے نام پہ، سرائیکی کے نام پہ تقسیم کرو قوم کو، یہ سارے جو ہمارے دشمنوں کی چالیں ہیں اس کا سب کا جواب 100 سال پہلے رموز بے خودی میں اقبال دے چکے ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو. لیکن اس سے پہلے ہم اس ٹریننگ پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کو اقبال نے ایکسپلین کیا کہ میں کس طرح، کس ٹریننگ پروسیس سے گزرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچا. دیکھیے مقصد ہمارا صرف آپ کو اقبال کی آئیڈیالوجیز پڑھانا نہیں ہے، سمجھانا نہیں ہے، شیئر کرنا نہیں ہے. آپ سب کو مقصد یہی ہے کہ ہم سب اس قابل ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی اللہ سے روحانی تعلق رکھ سکیں کہ اللہ ہم سے بھی اسی طرح بات کرے جس طرح اس نے اقبال سے بات کی. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اقبال جس طرح نورانی اور ایک ذہنی اور فکری انقلاب برپا کر چکے ہیں،
آج اب آئندہ والے دوروں میں ایسے اقبال یا ایسے مرد مجاہد پیدا نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی نسل میں ہزاروں اقبال پیدا کرنے ہیں, ہم نے اپنی نسل میں ہزاروں درویش فقیر اور قلندر پیدا کرنے, جبھی ہماری اقوام, جبھی ہماری جمعیت بنے گی. اسرار خودی کا مقصد بھی یہی تھا اور رموز خودی انہی افراد کو جمع کر کے ایک کلیکٹو کمیونٹی بنا. تو اقبال جب اس میں پروسیس بتاتے ہیں کہ میں اس طرح رویا, اس طرح رویا, جس طرح میں رویا, اس رونے کے نتیجے میں جو میں نے اللہ کے آگے فریادیں کی, اس کے نتیجے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, جو انسان جو کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں اپنے آپ کو زندگی اور وقت گزار رہا ہوتا ہے, اس کوڑے کرکٹ میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے, اس کوڑے کرکٹ کے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اس رونے کے نتیجے میں, اور ایک مٹی کو وہ ایسی پرواز کی طاقت دیتی ہے. مٹی جو زمین پہ پڑی ہوتی ہے وہ پرواز کرنے لگتی ہے کائنات کی وسعتوں میں اور بلندیوں میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جو بات وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جب اپنے رونے میں, جب اس کا اشک پیازی ہو جائے, جو وہ کہتے ہیں جب آنکھیں انسان کا آنسو خون خون جگر کی آمیزش سے, جب انسان کی آنکھوں کے آنسو میں خون جگر ملنا شروع ہو جائے اور اشک پیازی ہو جائے انسان کا, اشک انسان کا سرخ ہو جائے, آنسو سرخ ہو جائے, دین یو ہیو ریچ دیٹ مومنٹ کہ جب تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی. یعنی اس حد تک انسان جنون اور دیوانگی میں جب تک نہ پہنچے تو خالی اللہ سے رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے دعائیں, جب ضرورت ہوئی تب مانگ لی, ضرورت نہیں ہے تو خدا بھول گئے. اور دوسری بات, اپنے لیے سب مانگتے ہیں. دعا کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی امت کے لیے, اللہ کے رسول کی امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا, فار گریٹر پرپس, فار گریٹر کاز. یہ اللہ کو بھی پسند آتا ہے, اپنی بیماریاں تو سب ٹھیک کرا دیتے ہیں. امت کے لیے دعا کرنا, امت کی امت پہ سے مصیبتیں دور کروانا, اور حضور کی امت کے لیے دعا کرنا, امتی امتی حضور کے تو آخری الفاظ ماشاءاللہ اپنی امت کے حوالے سے. جی تو یہ وہ کمال ہے کہ اس ٹریننگ پروسیس سے گزر کر اقبال نے وہ مقام حاصل کیا کہ دنیا کے سارے راز ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیے جو اس امت کے لیے ضروری تھے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے مزید اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جی ہم چل رہے ہیں ٹریننگ کی طرف, ٹریننگ پروسیس آف اے سوسائٹی. اب دیکھو علی, اقبال نے اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کر دیے, ہم کو بتایا کہ دیکھو اب جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ مجھے سستا نہیں ملا, میں نے اپنی جان رکھ دی, اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دیا, تو میں نے یہ تحفے اور یہ پھول تمہارے لیے لے کر آیا ہوں, اس لیے تاکہ تم گلستان بن جاؤ, تمہیں گارڈن بن, تمہیں باغ بنو کہ امت کا, جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوشی سے جھوم جائے. یار کیا خوبصورت فصل ہے یہ لگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جو امت کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو اس کی صفات ہیں, جو اس کی کوالٹیز ہیں, جس طرح علامہ اقبال کو اللہ نے سمجھائے ہیں, یہ ایک ڈیوائن تحفہ ہے ہمارے لیے. اقبال نے اپنا ٹریننگ پروسیس بتا دیا. اب ہم آتے ہیں رموز بے خودی کے اس ڈائمنشن پہ کہ جہاں اقبال ایک کلیکٹو ڈاکٹرن دیتے ہیں کہ ایک مسلمان ملت, امت یا کمیونٹی کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کرے, ریوائیو کرے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے, اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. جو اسرار خودی میں انڈیویجول ڈیولپ ہوئے تھے, اب وہ کلیکٹولی کیا کام کریں گے. اینڈ اٹس امیزنگ ماشاءاللہ, اور آج کی پاکستان کے لیے اگزیکٹلی ریلیونٹ ہے. آپ کو اپنا ایک ایک مسئلہ رموز بے خودی میں نظر آنا شروع ہو جائے گا جو آج پاکستان کی پرابلم ہے. اقبال آغاز کرتے ہیں, فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے, فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے, اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے ہے. ٹھیک, یعنی ایک مثال کے طور پر کون علی کو اور کون زید کو جانتا ہے اگر ہماری شناخت پاکستان سے نہ ہو, اگر ہماری شناخت اسلام سے نہ ہو, ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنی سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اگر ہم اپنی اللہ ہماری ریلیونس ہماری قوم سے, اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے سوچو کہ کیا علی اور کیا زید, کچھ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم سب کچھ اس جماعت کے ساتھ ہیں, ہم سب کچھ اس ملت کے ساتھ ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بن جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اقبال کیا کہتے ہیں یہاں پہ, آغاز کس بات سے کر رہے ہیں کہ فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خطہ زمین دیا, ایک مدینہ ثانی دیا, ایک ملک پاکستان دیا جس کا عربی میں ترجمہ جس پاکستان کا مدینہ طیبہ ہوتا ہے. یہ ملک دیا جو 27 رمضان المبارک کو بنا, شہداء کے سائے میں جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں, یہ اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا, یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہتے ہیں فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے, اور اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے. ہم جو کچھ آج ہیں اللہ کے دیے ہوئے تحفے پاکستان کی وجہ سے. جس نے پاکستان کی قدر نہیں کی, جس نے اپنی جماعت کی قدر نہیں کی, جس نے اپنی ملت اور امت کی قدر نہیں کی, پھر وہ یہ سمجھا کہ میں کچھ کر کے دنیا میں کارنامہ کر لوں.